आप एक दो को खाइएगा क्योंकि आपको डॉक्टर डॉक्टर मना किया। आज सुबह के 6 बजे जो मैं घर से निकली थी, अभी घर में घुस रही हूँ शाम के 5 बजे। वेलकम टू माई चैनल रितु कश्यप प्रीत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह के मजेदार वीडियोज आते रहते हैं। तो चलो आज का व्लॉग ना पूरा पहले जरूर देखना, कमेंट भी जरूर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। शाम हो चुकी है लेकिन अभी भी इतनी तेज और गर्म हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे को झुलसा देगी। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ऑटो में बैठी हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस सा लग रहा है कि चलो खुद से अकेले अब मैं थोड़ा ट्रैवल कर सकती हूँ। अभी काफ़ी लंबे टाइम से मैं बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई थी, तो मेरा चलना फिरना सब कुछ दूसरे के भरोसे ही था, तो आज बहुत अच्छा लग रहा। सामने मंदिर था ये बजरंगबली और शनि देव का, जहाँ मैं प्रणाम करते हुए चल रही हूँ। भगवान की कृपा दृष्टि इसी तरह से बनी रहे। और मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा आज, क्योंकि मैं अकेले ऑटो में बैठी हूँ, कोई और नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा। आज सुबह के 6 बजे जो मैं घर से निकली थी, अभी घर में घुस रही हूँ शाम के 5 बजे। और इस बीच में क्या हाल हुआ है मेरा आप देख ही सकते हो, बिल्कुल बैगन का भरता बनके इस समर सीजन में घर में आ रही हूँ मैं। इतनी गर्मी है भाई साहब, बाहर की मत पूछो। नहा धो के मस्त मैं बैठ गई हूँ अपने फेवरेट प्लेस पे, और आज मेरे पास है ये अजियो का पार्सल, तो इसको अनपैक करके देखती हूँ कि इसके अंदर क्या आया था। लेकिन उससे पहले आम का ये जो मैंने बनाया है रस, इसको पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में ना बड़ी फायदेमंद होता है, लू नहीं लगती है, ऐसा मम्मी लोग बोलती है। तो चलो, मान को दिया तो सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी है, लेकिन मान इतना नखरा कर रहा था इसको पीने में, पी नहीं रहा था, किसी भी तरह समझा के उसको पिलाई। तो चलो अब इस पैकेट को अनपैक कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या आया है देखते हैं। मेरा हथियार भी रेडी है, तो इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं इस तरह से। और एक साथ ही मैंने कुछ कुर्ते मंगवाए थे, तो आई थिंक वही आया है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, मैंने चेक भी नहीं किया कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। यस, इसके अंदर ये है सबसे पहले दुपट्टा। तो मुझे ना एकदम ऐसे थोड़ा ब्राउन कलर का दुपट्टा चाहिए था, जो मेरे कुछ ड्रेस के साथ मैच करता है। और इसके यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा लगा हुआ नीचे ना। ओके, एंड एक कुर्ता है ये रेड और थोड़ा मरून टाइप से में है ये। यस, तो ये वाली मैंने ऑर्डर की है, और फ्रॉक जैसे पैटर्न में है। तो मैंने अभी सब कुछ ना एल साइज में ही ऑर्डर किया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हेल्थ मेरा बढ़ा है बैठे बैठे, तो मैंने एल साइज में ऑर्डर किया है। आज इसको हो सके तो मैं पहनूंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। तो थर्ड चीज जो है वो है एक ग्रीन कलर का कुर्ता, और ये भी फ्रॉक पैटर्न में है, एंड दिस इज लाइक ऐसा है, यहाँ पे बटन है छोटे छोटे से। और ये दोनों ही मैंने अजियो से ऑर्डर किया है, लीवा का है ये, अवासा, नो अवासा नहीं, लीवा का है ये, समथिंग एल्स कुछ और भी लिखा हुआ है इसमें, स्याही, तो स्याही लीवा का कोई स्याही है, वो आया हुआ है। आज के खाने में है चावल, दाल और ये पापड़। आई डोंट नो कि ये पापड़ चावल वाला है या फिर साबुदाने वाला है, मुझे दोनों ही पसंद है। और ये रहा अचार, तो ये मुझे खाने मना है लेकिन मैं खाऊंगी आज। और आलू पटल की सब्जी देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, आई होप कि टेस्टी हो। और ये है भुजिया, भिंडी का भुजिया ही बोलते हैं इसको हम लोग बिहारी लोग, जो भी हम लोग फ्राई करके बनाते हैं इस तरह का। और भुजिया के बिना तो हम बिहारी लोग का खाना कंप्लीट ही नहीं होता। तो चलो भाई, वेट नहीं करने का, टाइम हो चुका है लंच का, जल्दी जल्दी से खाना खा लिया जाए। इतना सजैला के का फायदा बा,
जब आखिर में एकरा इसे करिए दे आए भोजपुरी इज नॉट माई लैंग्वेज बट आई एम ट्राइंग सही बोल रही हूँ या नहीं बताओ नहीं तो ना थोड़ी सी एकदम आज मस्ती के मूड में हूँ थोड़ा कोई काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो चलो फाइनली आज का लंच किया जाए। आम रस पी के मुझे बड़ा मज़ा आया तो मैंने सोचा चलो एक और मैंगो है तो इसको ना यूज़ कर लिया जाए। तो ये पूरा बड़ा सा एक आम है इसको मैंने गैस पे रख दिया और इसको कभी भी बनाते हैं तो गैस पे पका के ही बनाना चाहिए। कुछ लोग ना कुकर में ऐसे सीटी लगा के बनाते हैं तो उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होता। अगर आपको लू लग गई है तो उसका पल्प अगर आप पूरे बॉडी पे लगा दोगे पेट में खासकर और फॉरहेड में लगा दोगे तो ये बहुत काम करता है। तो ये जब पक गया तो इसके छिलके उतारे मैंने और यहाँ पे आमरस के लिए मैंने वो निकाल दिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भून करके उसे कूट करके उसके अंदर मैंने मिला दिया और काला नमक और थोड़ा नमक भी मिलाया और उससे ना ये बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी हो गया। मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता है। जैसे मान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल पीना नहीं चाहता है लेकिन अभी मैं ज़बरदस्ती उसको पिलाऊंगी। ये बहुत ज़रूरी है उसके हेल्थ के लिए। फीवर भी आ गया है उसे तो ये बहुत काम करेगा। और ये अभी ये आम में अभी भी बहुत सारा मतलब इसके अंदर अभी इसका पल्प है जो मैं यूज़ कर लूँगी उसको लगाने के लिए। मैंने रस के लिए तो निकाल ही लिया लेकिन इसका पल्प भी यूज हो जाएगा। बहुत सारा पल्प है, बहुत बड़ा सा मैंगो था ये। तो यहाँ पे जूस मैंने अच्छे से छान लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा भी पल्प रहेगा तो मान को तो आप जानते ही वो बिल्कुल छाना हुआ चीज़ ही पीता है, उसमें कुछ भी रहेगा तो वो पीने वाला नहीं। तो अभी उसको देती हूँ। ये मुझे दो जार आज कुछ गिफ्ट मिले हैं जो ड्राई फ्रूट्स के लिए मैं यूज़ करूँगी इसको और बहुत ही सुंदर और प्यारे से लग रहे थे। बाहर बिल्कुल जो तूफानी बारिश बोलते हैं ना वो हो रही है, एकदम बहुत ही तेज हवा चल रही है और साथ में बारिश भी हो रही है तो बिल्कुल मौसम एकदम कूल कूल सा हो गया है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसे में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने सोचा खिड़की खोल के आप लोगों को दिखाऊँ लेकिन इतनी तेज हवा चलने लगी कि क्या ही बताऊँ। चलो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर। भाई साहब थैंक गॉड बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और आज तो इंद्रदेव बहुत प्रसन्न है, बहुत बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है। पापड़े डर भी लग रहा है रिकॉर्ड करते हुए। वाओ मस्त हवा चल रही है, आज मौसम एकदम बहुत ही अच्छा हो गया है। देख रहे हो कितनी तेज आंधी और उसके साथ ही ऐसे बिजली चमक रही है, बिल्कुल बहुत तेज हवा चल रही है। ओह माय गॉड बिजली भी चमक रही है, बंद कर देना ही सही रहेगा। अब जब बारिश हो रही हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें अपना कॉफ़ी या फेवरेट चाय जो आपको पसंद है उसे पीना चाहिए। मेरी फेवरेट तो कॉफ़ी है तो अभी मैं इसको पीऊँगी और पता नहीं आज क्यों झाग बन ही नहीं रहा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन चलो कॉफ़ी। बिल्कुल मौसम कूल हो चुका है, ये समर सीजन है या मॉनसून है बताओ आप लोग। आज तो एकदम मस्त दिन बन गया है, गर्मा गर्म मोमो, वाओ मेरा फेवरेट आ चुका है। और ये स्टीम वाला मोमो है। बाहर निकल रहे हैं क्या आप? ठीक है, मान को भी मन है मोमो खाने का तो अभी हम लोग दोनों मिलके खाने वाले हैं। मान तुम नहीं खाओगे ना? आप एक दो को खाइएगा क्योंकि डॉक्टर ने डॉक्टर मना किया है, मुझे सब कुछ डॉक्टर ने मना किया है ना, और तुम्हें सब कुछ खाने बोला है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन इस तरह की गर्मा गर्म चीज़ें ना खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज हम लोगों ने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का रोल और इसे दो तीन बार मंगवा लिया है तो ये बहुत ही यमी टेस्टी है पता है हमें। आप लोग पूरा वीडियो इंजॉय करो, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।